हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक कटोरी हम बाजरे का आटा लिए हैं, आज हम गुलगुला बनाएंगे। उसी कटोरी साइज से आधी कटोरी चीनी लिए हैं। इधर देख लीजिए, सफ़ेद तिल है और एक छुहारा है, किशमिश है, काजू बादाम, दो इलायची लिए हैं। ये सब इसमें मिला के बनाएंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा, बहुत ही स्वादिष्ट हो बनेगा। ये ठंड में बाजरे का आटा शरीर को बहुत गर्म रखता है, गुलगुला ज़रूर बनाइएगा। देखिए, हम सब चीज़ काट लिए हैं बारीक। इस तरफ हम आटा पलट रहे हैं, एक कटोरी है हमारा आटा। ये आधी कटोरी हम चीनी इसमें डाल रहे हैं। एक कटोरी में आधी कटोरी चीनी डाल रहे हैं ताकि मीठा बराबर रहना, ज़्यादा न कम। ये सफ़ेद तिल इसमें डाल रहे हैं। ये सभी कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं इसमें। इलायची हम बारीक दरबरा कूट लिए हैं तो उसको भी इसमें डाल रहे हैं। इलायची डालने से इसका फ्लेवर बढ़ जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट आता है। दो चम्मच हम आयल डाल रहे हैं अंदर से ताकि खस्ता बने। ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिला ले रहे हैं। इसमें हल्का हल्का पानी करके हम इसका आटा लगाएंगे। देखिए, इस तरह मसल मसल के आटा हम लगा रहे हैं। इसमें भी हल्का और पानी डालेंगे ताकि चीनी अच्छी तरीके से गल जाए। हल्का टाइट हमको नहीं ज़्यादा लगाना है, ये देखिए मीडियम है। अब इसको 10 मिनट रख दे रहे हैं, सेट हो जाए, चीनी भी गल जाए। लगभग 10 मिनट हो गया तो इसको इस तरीके से हम मसल दे रहे हैं ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। तो ये हम छोटा छोटा इसका पेड़ा बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से, इस एक साइज का। अभी इसमें ऊपर से तिल लगा के इस तरह हाथ से प्रेस करके इसको चपटा कर दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से बन रहा है, चपटा करके डाल रहे हैं। तेल हमको मीडियम गरम रखना है, ज़्यादा गरम नहीं रखना है, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, तो मीडियम में हमको पकाना है। एक एक करके हम सभी डाल दे रहे हैं। ये देखिए, अब हम पलट दे रहे हैं इसको अच्छी तरीके से पके। ये मीडियम ही गैस पे पकाना है, तेज नहीं करना है, ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए, अब इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये हमारे पक गए हैं, कितने फूले फूले बने हैं, इसी तरह हम और बना ले रहे हैं। इस तरीके से हम ये देखिए और बना ले रहे हैं, तो हमारे फूले फूले बन रहे हैं, खस्ता मॉडल। ये इलायची और सभी चीज़ इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं तो इतना ही स्वादिष्ट है कि पूछिए मत। इस तरह से देखिए बन गए हैं, हमारे बन के रेडी हो रहे हैं। ये बाजरे के गुलगुले ठंडी में बहुत स्वादिष्ट आते हैं और बहुत ही खस्ते में बने हैं। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।